अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत सारे वीडियो आपने पिकनिक के देखे होंगे घूमने के एतबार से, लेकिन ये वीडियो अनोखा वीडियो है। पहली मर्तबा देखोगे, जो देख नहीं सकते ऐसे बच्चे अपना दिल बहला रहे हैं, एक खुशी के साथ एक आनंद ले रहे हैं। और वो बच्चे जो डेफेंडम है, बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, वो बच्चे जो हाथ पैर से माजूर है, वो यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर अपना दिल जॉय कर रहे हैं और एक साइंस के एतबार से अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहे हैं। ये तमाम मदरसे के बच्चे हैं, ऑल डिजेबल ट्रेनिंग सेंटर बड़ौदा में जो चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका रहना, खाना पीना, इनकी तमाम ज़रूरतें फ्री में चलती है। कारी अहमद अली साहब फलाही इनके सरपरस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। ये नाबीना बच्चे हैं, ये सब नाबीना है, वहाँ पर भी नाबीना है, सब नाबीना मुंगे बेरे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खेल रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। ये सब मंसूर बच्चे हैं, नाबीना मुंगे बेरे बच्चे, एमआर बच्चे यहाँ घूमने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे, सब बच्चे खाना खा रहे। रेहान का जूम कर, अरमान का भी जूम कर, अरमान को इस तरह बुला। अरमान आवाज दे दो, कहीं जो है हाँ। जज़ाकअल्लाह बोलते जाओ, पंडित जी तुम भी हट जाओ थोड़ा। हाँ लो बेटा, जज़ाकअल्लाह बोलते हुए जाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट दूसरे आ जाओ। जुबेर को गिना था 22 में, माशाल्लाह हमारा जुबेर को नहीं भूलेगा। मोहम्मद आई जाओ, ये भी ब्लाइंड है। अच्छा स्कूल भी करता है। लाओ आगे जल्दी, जरा फास्ट आ जाओ बेटा, इन लोगों को स्विमिंग करने जाना है। आ जा बेटा इधर, मेरी तरफ, मेरी तरफ। शाकिर बेटा माशाल्लाह, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए माशाल्लाह। आ चलो जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएंगे। 22 है, आ जाओ बेटा इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, माशाल्लाह। आ जाओ, और कौन है? ये मेरे बाजू वाले को नहीं दिया भाई, ले बेटा तेरे को तो चॉकलेट बहुत पसंद है ना। एक मिनट दो, हाँ लो मेरे हाथ में से। हाँ ये देखो, ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा बोलता है, खाली इसके साथ बात करो। ये मेरे बाजू में भी हाफिज़ कुरान है, ब्लाइंड है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। आ जाओ आगे आगे। अच्छा अच्छा, देव दम दोनों है, टोपी बहुत अच्छी पहना है माशाल्लाह। अच्छा आँखों में आँख ही नहीं, ये ऐसा बच्चा है। देखो बेटे भाइयों, इसकी आँखों में अल्लाह ने आँख रखा ही नहीं, यानी सिरे से आँख का वजूद ही नहीं जी। और 12 पास है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा। क्या नाम है? इम्तियाज जी। और कितने बाकी है कि बहुत गिन के लाए बेटा? और कौन है? जुबेर आ जा बेटा, आ जा। मेरा बेटा तो बाकी रह गया है, ये मेरा बेटा है जुबेर, ये भी बेचारा यतीम बच्चा है, अभी अपने मोटी नरोली में पढ़ रहा है। कितने पारे हो गए? 14 पारे का हाफिज हो गया है माशाल्लाह। देखो भी कैसा जवान जवान होता है, शादी का सोच रहा होता है। और कौन है? 13 पारा हाफिज हो गया है। हाँ आवाज नहीं है माशा अल्लाह, तो कबूल करे अल्लाह, कबूल करे माशा अल्लाह, कबूल करे। एक पेशा करने गए तो मैं ले सकता हूँ? नहीं, क्या क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है, पूरी टोली खाली कर। चलो भाई इंटरव्यू दे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله مولانا العظيم. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं अल्लाह की हमद बयान करूँ. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिही वअसहाबिही अजमाईन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں تمام ہمارے حضرات کو اور جتنے میرے سننے والے ہیں ان تمام کو میں قاری احمد علی اس وقت ایک بہت اچھی خبر کے ساتھ آپ کے पहुंच रहा हूं. हम इस वक्त सब लोग वरियाव में हैं. वरियाव ये रामदेव के करीब एक जगह है, वरियाव में है. और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर हम लोग जमा हैं. और ये फार्म हाउस के जिम्मेदार हमारे बहुत ही प्यारे भाई इरफान भाई औलिया, अल्लाह तबारक व ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे. सब आमीन बोले. यहाँ हम एक पिकनिक पर आए हैं, एक प्रवास पर आए हैं. और यहाँ पिकनिक और प्रवास का मकसद हमारी खुशी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिजेबल सेंटर दारुल आफिया जो बड़ोड़ा में चलता है, जहाँ 40 बच्चे डिजेबल बच्चे, उसमें कुछ डेफ है, कुछ डम है, कुछ ब्लाइंड है, कुछ हाथ से मांजूर है, कोई पाँव से मांजूर है, कोई दिमाग से मांजूर है. अल्हम्दुलिल्लाह उन 40 बच्चों में से 22 स्टूडेंट्स इस वक्त हम यहाँ पर इनको बस में हमने इनको बुलाया है. सुबह ब्रेकफास्ट इनका हुआ, अभी दोपहर का खाना हुआ, शाम का फिर नाश्ता होगा इंशाल्लाह, और रात का फिर खाना होगा इंशाल्लाह. तो 22 बच्चों के प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं. तो सबसे पहले मैं मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे वो बम्बई से आने वाले मेहमान हमारे मोहम्मद भाई और एजाज भाई हो, चाहे यूके से आने वाले हमारे बहुत ही प्यारे हाजी दरबार भाई और हाजी अनवर भाई हो, और इसी तरीके से हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे यूं कहो के सारे पुलिसों के जिम्मेदार और एक लंबे महकमे के जिम्मेदार सैयद साहब भी हमारे साथ है, मुबारक भाई भी हमारे साथ है, अखलाक भाई भी हमारे साथ है. अल्लाह ताला इन सब के आने को कबूल फरमाए. और इरफान भाई औलिया जिनका ये फार्म हाउस है, जिसके वो मालिक है, जिन्होंने हमें ये सब इंतजाम दे दिया, बल्कि यूं कहा कि कारी साहब ये फार्म हाउस आपके लिए और आपके ये दारुल आफिया के 22 स्टूडेंट्स आए उनके लिए हमने आज पूरा दिन दे दिया है विदाउट एनी चार्ज. इन्होंने हमको ये दिया है. हम सब मिलकर दुआ करें कि इरफान औलिया और उनकी जो पूरी टीम है अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए. अब मैं दो बातें करके इन असल में हमको मुझे नहीं सुनना है हमारे इन बच्चों का मुजाहरा कि ये बच्चे 22 स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं और बाकी 18 को जो छोड़ के आए हैं, तो क्या इनका एक्टिविटीज क्या है, ये करते क्या है, ये हमको करना. और एक बात मैं आपको बता दूं, फुल इंडिया में ओनली वन डिजेबल सेंटर है जो 24 आवर्स बच्चों की सर्विस देता है और हर तरह के बच्चे को लिया जाता है, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे वो डम हो, चाहे हाथ से मांजूर हो, पांव से मांजूर हो, दिमाग से मांजूर हो, और कोई उम्र की वो नहीं, 8 साल का भी होगा, 18 ईयर्स का भी होगा, 20 ईयर्स का भी होगा, पूरे इंडिया में वन है. बाकी ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जो चलते हैं, लेकिन ये अल्लाह के फजलो करम से और आप तमाम की दुआओं से चल रहा है. आप दुआ करें कि हमारा बजट 100 बच्चे करने का इंशाल्लाह. बोलो इंशाल्लाह. अभी हमने एक अच्छा घर बना लिया है जहाँ ये सब बच्चे रहते भी है, पढ़ते भी है. एक दूसरी ज़मीन का भी सौदा चल रहा है, अगर वो भी मिल जाए तो दोनों को हम साथ में ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह 100 स्टूडेंट तक का हमारा ये प्रोजेक्ट है. अच्छा, एक बात ये भी बताता चलूँ, ये जितने बच्चे आते हैं, आप अगर मुझे पूछेंगे इनमें से यतीम कौन है,
तो ये जवाब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बच्चों का कलेक्शन होता है, कभी कोई दरगाह पे से लाया जाता है, कभी कोई बस स्टॉप पे से लाया जाता है, कभी कोई रेलवे स्टेशन से लाया जाता है, या कभी किसी को चाचा छोड़कर जाते, कभी किसी के मामा छोड़कर जाते, यहाँ तक कि जो छोड़ने वाला वो ये बोलकर जाता है कि हमने आपके हवाले किया, अब हम वापस लेने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे बच्चे हमारे पास है, यानी इनको भी नहीं पता है कि इनकी अम्मी कौन, इनके अब्बा कौन, तो हमको कैसे पता होगा कि इनके अम्मी अब्बा कौन। लेकिन एक हदीस पाक सुनाता हूँ, आज सब लोग नियत करो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और वो हदीस ये है कि एक मरतबा हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अपनी बेटी हजरत आयशा के पास गए और जाकर कहा, बेटी आयशा, कोई काम जो मेरे नबी करते हो और हमको पता ना हो आज बता दो। यानी हजरत अबू बकर तो अब्बा है रदी अल्लाह तआला, अपनी बेटी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला के पास गए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, कोई काम ऐसा हो जो नबी करते थे और हमको नहीं मालूम है वो हमको बता दो। तो हजरत आयशा ने फरमाया, कुछ कुछ दिन के बाद खाना तैयार करवाते थे और खाने में भी लिक्विड होता था, हलवा होता था और एकदम लिक्विड होता था, और मालूम नहीं वो खाना लेकर अल्लाह के रसूल ये रास्ते से चले जाते थे, और जब आते थे तो जो खाना लेकर गए थे या हलवा या स्वीट्स लेकर गए थे वो फिर होता नहीं था। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैंने भी हलवा तैयार करवाया और हजरत आयशा के पास ही तैयार करवाया, क्योंकि मेरी बेटी थी, तैयार करवा, मैं वही रास्ते पर चला। हजरत अबू बकर फरमाते, दो पहाड़ों के दरमियान मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें भी नहीं है, हाथ से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है। फौर मैंने उसके साथ कुछ बातचीत की, उसकी जबान में तोतलापन था, लेकिन उसने बात बात में ये बताया कि आप आ गए, यानी वो यही समझा कि मोहम्मद आ गए, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो गया। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, अच्छा मोहम्मद आ गए, और फिर उसने ये भी कहा साथ साथ में कि मोहम्मद जो मजहब पर आप हो, मैं तो वो मजहब पर नहीं हूँ, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। हजरत अबू बकर फरमाते, मैं हैरान हो गया, क्या सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि ये तो इस्लाम वाला भी नहीं। तो मैंने कहा, नहीं नहीं हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो जब हजरत अबू बकर ने बोलना शुरू किया तो वो जो थे या हाथ से माजूर थे, पांव से माजूर थे, कहने लगे, आप मोहम्मद जैसी आवाज नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं वो हलवा लेकर आया हूँ, वो मैं आपको खिला देता हूँ। तो ये कहकर हजरत अबू बकर के पास जो भी चमची स्पून होगा उससे हलवा खिलाने लगे। जैसे पहली स्पून उनके जुबान पर गई, वो जो डिजेबल शख्स थे वो कहने लगे, आप मोहम्मद नहीं हो, आप मोहम्मद नहीं हो, आप कोई और हो। उस वक्त हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा कि मैं मोहम्मद नहीं हूँ, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुँच गए, ये तो उनका ये अमल करने के लिए मैं आया। तो कहा, मैं समझ गया, पहले तो आपकी आवाज़ से समझ गया था और अब इसलिए समझ गया, मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं समझ गया कि मोहम्मद मुझे चमची से नहीं खिलाया करते थे, क्योंकि चमची मेरी जबान पर लगती तो मुझे तकलीफ होती थी, वो अपनी जबान पर रखकर मेरी जबान पर पहुँचा दिया करते थे। ये हमारे, हालांकि वो ईमान वाले नहीं थे और उनका ईमान लाना न लाना उसके बारे में कोई खबर भी नहीं है, लेकिन हमारे नबी एक ऐसे डिजेबल के लिए इतना दूर सफर करते थे और ये काम करते थे, आज हमारी उम्मत के लिए बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, काश जैसा बड़ौदा में ये काम हो रहा है। और हमारे हिदायत भाई कहाँ है, हिदायत भाई जो ये इसके, यूँ समझो कि हमारे पूरे इसके क्रीम अगर कोई है तो वो हिदायत भाई और इनके अब्बा है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि मेरा जाना तो कभी कभी 14 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में होता, बाकी सारा काम यही दोनों संभालते हैं और आगे भी हम तरक्की के लिए सोच रहे हैं। आप सबसे दुआ की सबसे पहले ज़रूरत है, आप दुआ करें, क्योंकि ये काम इतना मुश्किल है सैयद साहब, कभी कभी हार जाता हूँ, थक जाता हूं, कभी कभी कुछ ऐसी खबरें कान में आती है ना कि सोचता हूं कि जब कोई नहीं करता तो मुझे करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर रात को वापस अपने आप में हिम्मत बंधाता हूं, ये हिदायत बेटा मेरे को और हिम्मत देता है, हम और आगे बढ़ जाते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे काम को कबूल फरमाए। और आज आप सब लोगों को सवाब कितना मिलेगा, भले हम हंसेंगे खेलेंगे, यहाँ बच्चों ने क्रिकेट भी खेला और बच्चों ने स्विमिंग भी किया और करना चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यह हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत नैरो माइंड
माइंड है, वो लोग जो इसको मना करते कि पिकनिक पर बच्चों को न ले जाओ, प्रवास पर न ले जाओ, मैं तो कहता हूँ दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। आज देखो सुबह में कैसे जिम के लिए दौड़ रहे लोग, इधर से उधर चले जा रहे अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए। तो क्या इन बच्चों का शौक नहीं है? क्या इन बच्चों को पिकनिक की जरूरत नहीं? क्या इन बच्चों को अच्छे खाने की जरूरत नहीं? क्या इनको स्विमिंग की और क्रिकेट की जरूरत नहीं? अल्लाह जजाए खैर दे हमारे इरफान भाई औलिया को, और हमारे ये पूरे पिकनिक का जो मैन ऑफ द मैच कहो वो हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला है। ये कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा ऐसा मेरा साथ देते हैं कि दुनिया को बताते कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली। हालांकि हकीकत में वो कारी अहमद अली नहीं है, कारी अहमद अली की जो बैकबोन है वो हाजी जुनेद ओरा वाला है। आप सब दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और आज हमको सवाब क्या मिलेगा? कल रात को मैं किताब पढ़ रहा था जुनेद भाई, कल रात को एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का वाक्या लिखा था, इमाम अहमद अस्फहानी, इमाम अहमद अस्फहानी। अच्छा, वो बहुत बड़े आलिम, उनका बहुत नाम है, बहुत किताबों के राइटर है, और वो हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, मुदर्रिस भी, बहुत बड़े इमाम अहमद अस्फहानी। उनके बारे में लिखा है कि उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो किसी ने ख्वाब में पूछा उनको कि अल्लाह ने क्या मामला किया, कैफ फअल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो इमाम अहमद अस्फहानी ने कहा, गफरनी रब्बी, सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाह ने मेरे को माफ कर दिया। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह ने क्यों माफ किया, तुम हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मौद्दी? कहा, ना 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 ना, वो तो बहुत कड़ा सवाल होने वाला था कि हाफिज है तो कैसा है, कारी है तो कैसा है, और पढ़ा तो किसके लिए पढ़ा, अमल किया तो किसके लिए अमल किया, का बहुत डेंजर मामला था, तो फिर अल्लाह ने माफ क्यों किया? कहा, एक वक्त में 10-12 किताबें लेकर, चूंकि वो पढ़ाते भी थे पढ़ते भी थे, कहते 10-12 अरबी किताबें लेकर, जो सब अरबी ग्रामर की किताबें थी, उसमें 1-2 तफसीर की किताब थी, कहा वो मैं लेकर जा रहा था और बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई, मेरे पास छतरी अम्ब्रेला नहीं था वो जमाने में, कहते मैं हैरान हो गया कि मैं भीगूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये 12-13 किताबें अरबी ग्रामर की किताबें, जिसमें कुरान की तफसीर भी है, कुछ हदीस की किताबें, ये सब भीग जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? वो जमाने में प्रिंटिंग वगैरह बहुत मुश्किल काम था, तो उन्होंने क्या किया, कहते मैंने किताबों को जमीन पर बिछा दिया और उसके ऊपर मैं सो गया। ऐसा सोया कि पूरी रात बारिश होती रही, मेरे पीठ पर ठंडा ठंडा पानी आता रहा। सुबह में जाके बारिश रुकी, मैं उठा, मैं खुद भीगा हुआ था मगर किताब भीगी हुई नहीं थी, एक कतरा भी भीगा हुआ नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, ए इमाम अहमद अस्फहानी, मेरे बदले अहमद अस्फहानी, तूने किताबों का एहतराम किया, उसके बदले मैंने सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरे खानदान वालों की मगफिरत कर दी। तो वो किताबों का एहतराम, उस पर मगफिरत। आज हम जो 22 बच्चों का एहतराम कर रहे हैं, ये किताब नहीं है, किताब के अंदर जान नहीं होती, किताब में रूह नहीं होती, किताब का जिस्म नहीं होता, हम जो 22 बच्चों का एहतराम कर रहे हैं, कलमा वाले, बोलो सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ने के लिए हमारे पास आए हैं, अगर किताबों का, बेजान चीज का एहतराम, उस पर मगफिरत है, तो जो जानदार है ये 22 के 22, अल्लाह तबारक व ताला। और आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे जो 22 बच्चे हैं ना, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ये फोर्स होता है कि तुझे हाफिज बनना पड़ेगा, तुझे कारी बनना पड़ेगा, नहीं, कोई फोर्स की बात नहीं, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी इनको, भाई किसी को चौक बनाना है, किसी को अगरबत्ती बनाना है, किसी को मोमबत्ती बनाना है, किसी को कोई और काम करना है, इनको मुकम्मल आज़ादी के साथ ये काम की इजाज़त दी जाती है। एक वाकया बताओ जो शायद हम सब के लिए बहुत बड़ा होगा, एक नाबीना बच्चा, इस वक्त शायद अहमदाबाद में उस्ताद है, एक नाबीना बच्चा जो धुलिया में था, वो हमारे पास आया, तकरीबन 1.5-2 साल या उससे कितने साल रहा, अब 7 साल वो हमारे साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पूरा कुरान पाक का सही सब हाफिज हो गया। और मामला क्या था मालूम है, जब वो हाफिज हो गया ना, तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे कहा हाजी दरबार, सब ने कहा कि बच्चे का एग्ज़ाम लो, अब ब्लाइंड बच्चा है उसका आप क्या एग्ज़ाम लोगे? मैंने कहा क्या का एग्ज़ाम लेना, वो जहाँ से पढ़ेगा पढ़ेगा, उसके 100 out of 100 नंबर ही है। तो बच्चे ने मुझे कहा कि ये मत कहो, इम्तिहान लो, इम्तिहान लो। मैंने फिर इम्तिहान लिया, जहाँ जहाँ से पूछता गया वो बताता गया, फिर हिदायत भाई ने मेरे को बताया, ये पूरे दिन में रात को सोता नहीं जब तक इसके 10 पारे मुकम्मल पढ़ नहीं देता है। मेरे प्यारों, कल कयामत में अल्लाह हमको पूछेगा, तेरे पास आँख थी, कान था, नाक था, हाथ था, पांव था, इसको मैंने नहीं दिया था, ये कुरान में कहां से कहां बढ़ गया। आज हमारे यहाँ एक समाज में बहुत बड़ी चीज़ क्या है मालूम है, नफल काम करो, फर्ज काम छोड़ो,
नफल काम। अभी अभी आप पूछो उम्रे में कौन कौन जाने वाला, आपको बहुत सारे मिलेंगे, उम्रा फजर की नमाज, उम्रा। फिर उसको पूछो सूरह फातिहा सही हो गई क्या, कुरान पढ़ना सही हो गया क्या, कुरान की आखिरी 10 सूरतें जो नमाज में पढ़ना है वो तजवीद के साथ तेरे को याद हो गई? जवाब मिलेगा नहीं। फजर की नमाज भी नहीं, कुरान भी नहीं, तजवीद भी नहीं, आखिरी 10 सूरतें भी याद नहीं, और उम्रा, उम्रा नफल है और ये सब करना। लेकिन शैतान ने ऐसा हमला किया है क्योंकि उम्रे में आदमी फेमस हो जाता है ना, फेमस होता है कि मैं मक्का मदीना और उम्रा करके एक फेमस ही उसको मिलती है, और ये सब चीज़ें अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला, तो वाजिब को छोड़ता है, नफल पे अमल करता है, उम्मत पर हालात है। खैर फिर एक मरतबा मैं आप तमाम का, जितने यहाँ पर आए सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत खिदमत की माशाल्लाह, बहुत खिदमत की। और कमाल ये था कि मैं ये सोचकर आया था जो मुझे हाजी जुनेद ओरावाला ने बताया था कि अखनी बनेगी, मेरे को अखनी बहुत पसंद है, मैंने सोचा अखनी बनेगी, यहाँ आया तो देखा पनीर बना हुआ है। तो फिर बाद में मुझे हाजी जुनेद ओरावाला ने कहा तुम्हारी पसंद पर नहीं गया, 22 बच्चों को पूछा गया, इन्होंने कहा हमें अखनी खाना, अरे हमें पनीर खाना है तो वो बनाया गया, इनको कैरेट का हलवा खाना था तो वो बनाया गया। और वाकईतन आज हम अपने लिए नहीं आए हैं, इन 22 बच्चों के लिए आए हैं। फिर एक मरतबा मैं इरफान औलिया का, हाजी जुनेद ओरावाला का, हाजी दरबार का, हाजी सैयद साहब का, मुबारक भाई का, और अखलाक भाई का, हिदायत भाई का, उनके अब्बा का, ये 22 बच्चों का, और यहाँ जितने काम करने वाले बेचारे हजरात हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपसे मैं सिर्फ 12-15 मिनट लूँगा जिसमें हमारे हिदायत भाई 2-3 बच्चों को एज अ एक नमूने के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या काम और क्या मेहनत है और क्या स्ट्रगलिंग और क्या काविश है और क्या कोशिशें होती है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हजरत के बाजू में जो बैठे हैं इनका नाम हाफिज़ फैसल है। ये हाफिज़ फैसल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हुए और ब्रेल जो डॉट से बना हुआ रहता है एक कोर्स से पूरा मुकम्मल 2 साल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स सीखा उन्होंने और आपके सामने मुख्तसर कुरान पाक पेश करेंगे। आ जाओ बेटा, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم। ये आपके सामने जो छोटा सा बच्चा है इनके पेरेंट्स जो है वो भी नाबीना है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिर्फ 3 महीने हुए हैं। अभी 3 महीने यानी बरोडा डिजेबल सेंटर में 3 महीने से अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है कि इनको 20 दुआएं याद हो गई, 17 सूरतें याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने कुछ दुआएं पेश करेगा। पढ़ो बेटा, उठवानी दुआ पढ़ो, उठवानी दुआ। आओ बेटी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سونا سے اٹھنے کی دعا الحمد للہ الذي احيانا بعد ما ماتنا والیہ النشور دودھ پینے کی دعا اللهم اجعلنا في وجنا منه بیت الخلا جانے کی دعا اللهم انی اعوذ بك من الطوسی الخبائث جزاک اللہ। ये जो ब्लाइंड बच्चा आपके सामने है ये बहुत पावरफुल दिमाग वाला बच्चा है, यानी यूं कहे तो चले गए 10 आदमी का, हम जो नॉर्मल 10 आदमी है उसके बकदर एक 10 को मिलाया जाए तो इसका इतने इसके पास पावरफुल दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनको हम बहुत मरतबा कह चुके हैं भाई तुम घर पे जाओ, तुम बहुत छोटी उम्र है। बोले नहीं मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे में ही रहता है और साथ में स्कूल भी पढ़ता है हमारे यहाँ। और हम आपके सामने ब्रेल किसको कहते हैं वो बताएंगे। इसके सामने हमारे यहाँ सिर्फ ब्लाइंड बच्चे नहीं पढ़ते, ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, माँ को माँ नहीं कह सकते, बाप को बाप नहीं कह सकते। कितनी भी ज़ोर से लाउड स्पीकर में अजान हो
या बयान हो इनके कान तक नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे यहाँ डेफ एंड डम बच्चे आके अरबिक साइन लैंग्वेज सीख रहे, कुरान पाक को कैसे पढ़ा जाए, वुजू का तरीका, गुसल का तरीका, ये सारी चीज़ें साइन लैंग्वेज में सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने मुख्तसर पेश करूँगा। ओवेस भाई है जो अहमदाबाद से है, यतीम बच्चा है, काफ़ी टाइम से हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आया तो नमाज भी ऊपर देख के पढ़ता था, उसको मालूम ही नहीं कि नमाज क्या होता है। मैं ओवेस को दावत दूंगा कि वो आए और आपके सामने मुख्तसर बात पेश करें। देखो इन्होंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी बनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डी बना के दुरुस्त शरीफ पढ़ा, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौत दौत तो जो ऐन गैन फा काफ आफ लाम मीम नून वाव हमजा लिफिया। ये अल्फ़ाबेट में पूरी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर अल्फ़ाबेट में अरबी ग्रामर जो है वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स सिखाया जाता है। अब ये ऐसे लोग जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, हाँ मक्का मदीना किसे कहते हैं वो भी इशारों में सिखाया, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक किसे कहते हैं वो भी इनको इशारों में सिखाया गया। हम आपसे दुआ करते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए दुआ करें। अब हम वो ब्रेल कुरान लास्ट प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि वो ब्रेल कुरान शरीफ है इसलिए वो बैठे बैठे पढ़ेगा। अख्तर, इनका नाम अख्तर है और टोटली ब्लाइंड है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 बार हाफिज हो चुका है। ये सिर्फ 5 पारे है और ये मलेशिया के अंदर छपता है और अपने इंडिया के अंदर चेन्नई में छपता है। ये 5 पारे है, मलेशिया में छपता है और अपने इंडिया में चेन्नई में छपता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत के हुक्म से भी इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों को ये पूरा कुरान शरीफ 10 बच्चों को सेट बनाकर फ्री में दिया गया था। जजाकल्लाह खैर, हम हजरत का शुक्रगुजार है। अब अख्तर को कहेंगे मुख्तसर ब्रेल पढ़ के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعوفوا بعهدي عوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. جزاكم الله خير في الدار. इसका नाम अहमद है। ये आपने डेफ एंड डम भी देखा, हैंडीकैप भी देखा, अब ये हैंडीकैप डिसेबल ऑल डिसेबल, यानी ये इसका पुर्जा डिसेबल है। ये बोलने में भी तकलीफ, खाना खाने में भी तकलीफ। सलाम करो। इनके वालिद मोहतरम जो है बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन ये जब मदरसे में आए तो रो रहे थे, बोले बहुत पूरी इंडिया घूम लिया, ये बच्चे के लिए कहीं मदरसा नहीं मिला। हजरत का भी बहुत शुक्रगुजार हुए वो, हम भी इनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बच्चा है ये इसको बोलते हैं एंडो, यानी कि ऐसा बच्चा जो एक ही शकल के सिर्फ गुजरात में मुसलमान 10,000 बच्चे, एक ही शकल से और प्रॉब्लम भी एक ही, दिमाग से कमज़ोर, बोलने में कमज़ोर, दिमाग में कमज़ोर और सेम टू यू शकल। हमारे पास काफ़ी बच्चा आके पढ़ के गए, ये बच्चा जो है इनका भी कोई नहीं है तो यहाँ पर अपने आ रहे हैं एंडो, यानी ये जो शक्ल है उसकी ये अंडे के मानिंद होती है। बेटा कुल वल्लाह आउट पढ़ा। أعوذ بالله العظيم قوار قوار من لم بودك روعد روعي عظيم. जजाक अल्लाह खैर, हमारे प्रोग्राम तो ख़त्म हुए लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो गवर्नमेंट है इन्होंने इनका नाम दिया है दिव्यांग, यानी हैंडीकैप भी निकल गया, डिजेबल भी निकल गया, दिव्यांग। दिव्यांग इसलिए दिया है कि गवर्नमेंट तो दूर की बात है, प्यारे अकाले सलातुल्लाह ने ऐसे बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने की तालीम दी,
मैं ये फील्ड में 10 साल से हूँ, मैंने ब्लाइंड बच्चों को देखा, हम नॉर्मल बच्चे, हमको या हमारी घरवाली को कोई धोखा दे सकते हैं, लेकिन इनको या इनकी घरवाली को कोई मजा लेकर टच करके बताए, वो सेंसर इन लोगों के अंदर फिट होता है, इनको कोई उल्लू नहीं बना सकता, इनको कोई 400 बीसी करने वाला 400 बीसी नहीं बना सकता। जब हमारे यहाँ ब्लाइंड बच्चे आके गए, हमने उनको कहा कि तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी बीवी क्या करती है? बोले मेरी बीवी भी पढ़ाई करती है। बोले अच्छा, तुम्हारी बीवी पे कब फोन आता है, कब आता है, कब नहीं आता है, कहाँ जाती है, तुमको सब मालूम? बोले तुम यहाँ बैठो, मैं प्रूफ करके बताता हूँ मेरी बीवी के ऊपर कितने फोन आते हैं, क्या होता है, सब प्रूफ करके बताता हूँ। मैं बिल्कुल अचंभा में रह गया। ये एक अल्लाह की तरफ से इनमें सेंसर होता है। ऐसे बच्चों को हमने पिकअप किया और इनको तालीम दी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भीख मांगने से बच गए। ऐसे बच्चे बस स्टॉप पर, दरगाहों पर आपको बहुत मिले, लेकिन हम आपके वरियाव गांव में भी और सब जगह इस बात की गुजारिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को ढूंढो और भीख मांगने से इनको बचाओ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम सिखाया जाता है। अगर ये बाहर निकल जाए मदरसे के बाहर, अपने पैसों से पानी पूरी खाएंगे, अपने पैसों से भजिया पूरी खाएंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये कमा लेते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ करो। सैयद साहब कुछ कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अफ़ा तलाहुम وفضلنا على كثير من من خلق تفضيلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تو بیماروں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ ہم بہت سے بیمار ہیں بلکہ اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معذور ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کانوں سے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے آج تک انہوں نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا اپنے ابا کو ابا نہیں کہا الہ العالمین ہم کو مت دیکھیں इन बच्चों को देखकर आज हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन बच्चों को देखकर हम सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। इन बच्चों को देखकर हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। हमारे मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ये काम बहुत मुश्किल है अल्लाह, लेकिन तू करवाता है अल्लाह। बाकी अल्लाह हार जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मतें टूट जाती है, लेकिन अल्लाह मौत तक ये काम करने की तौफीक अता फरमा, बल्कि हम मर जाए कयामत तक इस सिलसिले को जारी व सारी फरमा। खुद इन बच्चों के पीछे जो लोग भी जिस तरह का तावुन करते हैं, जानी माली इलाह आलमीन, उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह इलाह आलमीन इन बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, आलिम बामल बना दे, दीन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेज़गार बना दे। दीन दुनिया दोनों उलूम से इन बच्चों को और सारी अच्छी अच्छी कलाओं से और कारीगिरियों से अल्लाह इनको माला माला फरमा दे। अल्लाह अल्लाह इनको बनाने वाला तू ही अल्लाह, अल्लाह बनाने वाला तू ही अल्लाह। कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें आंखें दी, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, लेकिन सिवाय गुनाहों के हमने कुछ नहीं किया अल्लाह। बस अल्लाह आज इन बच्चों के आने को हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन जरिया बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। खास करके जो हमारे यहाँ दूर दूर से मेहमान आए हैं, इलाह आलमीन इन सब मेहमानों के आने को कबूल फरमा ले। और अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह जिन 22 बच्चों को हम सामने रखकर हमारी मरहूम माँ, हमारे मरहूम अब्बा या जिनके अम्मा अब्बा चले गए उनके लिए भीख मांगते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे, अपने उतूर से मुअत्तर फरमा दे। अल्लाह हमारे हाजी जुनेद ओरावाला को, जो ये सारी चीज़ों की एक बुनियाद बन जाती है, इलाल आलमीन उनके जान में, माल में, आबरों में, फैमिली में, खिलाल आलमीन उनके भांजी में, अल्लाह सब शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर आता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने बहुत ही बड़ी बात और अनोखी बात पेश करने जा रहे हैं
ये जो आपके सामने बच्चे नजर आ रहे हैं, डेफ एंड डम यानी कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ब्लाइंड बच्चे जो देख नहीं सकते और हैंडीकैप और दिमाग से माजूर बच्चे जो आपके सामने हैं, ये पिकनिक के लिए आपने देखा पूरा पिकनिक का प्रोग्राम था बड़ौदा से सूरत। कारी अहमद अली साहब ने हमको बुलाया था, लाला भाई का फार्म हाउस है वहां पर। सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह न देखते हुए न सुनते हुए न बोलते हुए भी देखिए आप देख सकते हैं ये कैसी खुशी का इजहार किया है। बहुत ही दिल के साथ ये बच्चों ने दुआ दी है। और ये जो बच्चे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से ट्रेनिंग सेंटर हमारा चल रहा है बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा के अंदर डभोई रोड पर किसान नगर है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए जगह भी ली और कंस्ट्रक्शन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी चीजें इनको खाना खिला रहे हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात को डिनर इनकी मनपसंद का बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका गर्मियों के अंदर जो है ठंडा पानी फ्रिज का दिया जाता है और ठंडी के अंदर स्वेटर दिए जाते हैं। और ये जो कपड़ा पहनते हैं उनको हम मदरसा खुद धो के देते हैं, इनको खुद धोना नहीं है। और नहाने के लिए भी गर्म पानी है और साल में 3 जोड़ इनको कपड़ा मदरसे की तरफ से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनका पूरा दुनिया और दीन और दुनिया का उलूम दिया जाता है, कुरान पाक की तालीम है, कंप्यूटर की तालीम है, ये तमाम चीजें इनको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, फ्री में दिया जाता है। साइन लैंग्वेज मूंगे बहरों के लिए, वुजू के फराइज, गुसल के फराइज और औलिया किराम की कराम आते हैं और प्यारे अकलीसलाम के हदीस से ये तमाम चीजें साइन लैंग्वेज में इनको सिखाई जाती है। अरबिक साइन लैंग्वेज, कुरान कैसे पढ़ा जाता है वो भी इनको सिखाया जाता है। बस आपसे गुजारिश है कि पूरे इंडिया के अंदर आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, हम इनको सपोर्ट करेंगे। और जानी माली टाउन भी कीजिए, जकार लिल्ला सत्कार से आप हमारा कॉन्टेक्ट करके टाउन कर सकते हैं ऐसे बच्चों को। इंशाल्लाह आप ऐसे बच्चे वाकई में हकदार है, क्योंकि ये बच्चे अगर हम नहीं संभालेंगे तो बेचारे भीख मांगते हैं। अल्लाह इनको ये भीख मांगने से हिफाजत फरमाए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। और हम कारी अहमद अली साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि ये पिछले 10 सालों से कारी अहमद अली साहब इसको ध्यान में रखते हैं और हमारे सरपरस्त हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9978487968। फिर से बोलते हैं 9978487968। जजाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।